हम एक लोकेशन पे जा रहे हैं जो हम पता करने जा रहे हैं, और पीछे देखो लाल किला का वो है पुल। बारिश हो रही है, अब देखते हैं कितने देर में पहुंचते हैं, कुछ पता नहीं है। बारिश खूब हो रही है, एक जो है गाड़ी खराब हो गई है, उसकी वजह से जाम हो जाएगा। पीछे ऊपर ट्रेन जा रही है, ये लाल किला का दृश्य है इधर पीछे। जी है सिनेमा हॉल, भीड़ नहीं है यहाँ पे, काम चल रहा है यहाँ पे। देखो ये करोबाग के पास है, और फिलहाल मैं जा रहा हूँ रोहतक, एक जगह जाना है वहाँ जा रहा हूँ। ये आनंद पर्वत है पूरा, यहाँ लोहे का काम होता है, प्रॉपर लोहे का काम होता है, पूरा लोहे का काम होता है पूरा। 19 किलोमीटर है अभी भी जा रहा हूँ, जाम बहुत ज़्यादा मिल रहा है। कितना लंबा जाम लगा हुआ है उस साइड से, और ट्रैफिक वाले आराम से चाय पी रहे थे। कितना जाम लगा हुआ है, बहुत जाम लगा हुआ है, और ये पीछे करोबाग पर जाम है पूरा बारिश की। ऊंची इमारत है, क्या चीज है देख के पता चलेगा आगे जा रहे हैं। पंजाबी बाग तो पहुंचने वाले हैं गाइस, फिलहाल हम पंजाबी बाग पहुंच चुके हैं। बारिश बहुत ज्यादा, आप फ्लाई ओवर बने भाई, मोस्ट मोस्ट फ्लाई ओवर बने हुए आज के दिल्ली का खूब। सनसनाते रोड, पानी कितना बारिश हुई है देखो, बारिश रोड भरे हुए। पूरा भूचाल आ गया, ऐसे दिल्ली का रोड है देखो, इस तरह है रोड, यहाँ पे खचे खचे भरे हुए देखो पूरे। इतना बुरा जाम मैंने आज तक नहीं देखा, देखो दिल्ली बड़ी मुश्किल हो गई, देखो ट्रैफिक हो रही, देखो पूरा खड्डे खड्डे हैं पूरे रोड पे। इस तरह से रोज ही होता है, रोड सबके आंखों के सामने है भाई, देखो कितने गंदा रोड है यार, वो भी राजधानी में बताओ। मुंडेगा मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे खड्डे खड्डे हैं, बड़ा जाम लगता है, बहुत भारी जाम। रोज जाम से परेशान होती भाई, रोज जाम से, देखो कितनी बहुत ज्यादा। मुंडेगा मेट्रो स्टेशन तक जाम था, क्योंकि रोड पे बहुत बड़े बड़े भारी भारी खड्डे हैं भाई, बहुत भारी भारी खड्डे हैं, इसलिए शिलो पूरा जाम था, एकदम पूरा जाम। खेती हो रही है देखो सामने, खेती हो रही है इधर, ये देखो खेती है, खेत ही खेत हैं इधर सामने, देखो पूरे खेत हैं, ये पूरे खेत हैं दिल्ली में, ये दिल्ली में। और इधर सामने देखो ये स्कूल है, जो सेंटर पड़ा हुआ है ये है, देखो सामने सेंटर है। पहुँच गया हूँ जहाँ कल नीट के पेपर हैं, मैं लोकेशन देखने आया था, ये ग्राउंड है पूरा। अच्छा हम यहाँ पहुँच गया हूँ, अंदर पता करते हैं देखते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा सेंटर है, अब चल रहे हैं हम वापसी, देखने आए, बहुत बड़ा ग्राउंड है ऐसे, चल पड़े हैं भाई, निकल पड़े हैं जा रहे। देखो कितना बड़ा ग्राउंड है, पूरा बड़ा ग्राउंड है देखो, दूर तक गेट है उधर, और इधर देखो इधर इतना बड़ा सेंटर है, एक गार्डन है पूरा, ये देखो लिखा हुआ है। तो चलो हमने पता कर लिया, अब चलते हैं घर की ओर वापसी, क्योंकि हमें कल सुबह आना भी है, तो भाई चलते हैं। और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, काफ़ी मैदान है यहाँ पे, और आगे खेत भी हैं, तो हरा भरा हरियाली बहुत ज़्यादा है भाई। लेकिन रोड जो है आने का, बहुत गंदे रोड हैं भाई, आप लोग वीडियो देख रहे हो, देखो रोड कितने गड्ढे हैं बड़े बड़े, बहुत ट्रैफिक में फंसा, यानी 2 घंटे मुझे लग गए बताओ, और कई लोग परेशान भी हो रहे थे, मैंने आपको दिखाऊंगा इसी पीछे ब्लॉग में देखना आप, बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब चलते हैं भाई घर। भाई जब हम बाहर जा रहे थे ना, तो भाई दो भाई मिले हमें, इन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी किया है, और वीडियो भी हमारी देख रहे हैं, और तो पहचान लो भाई कहाँ के हो आप? हम तो यहाँ लखनऊ के, लखनऊ के हैं आप भी? लखनऊ के, लखनऊ के हैं, यहाँ पर जॉब करते हैं शायद, यहाँ पर कल मुझे आना है दोबारा, ये गाड़ी वाड़ी लगी है। अब लोग कहते हैं इधर से जाओ, इधर से जाम नहीं मिलेगा, लेकिन इधर से जाम मिला मुझे। चलिए भाई हम चलते हैं, लग रहा है शाम को नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत मेट्रो लाइन दिखती है ऊपर से, और आते जाते लोग काफ़ी, और शाम को समय टाइम है, खूब पानी भरा हुआ रोड से, लोग बस पैदल भी जा रहे हैं।
मैं भी गाइस अपने मंदिर की ओर जा रहा हूँ वापिस, यहाँ से दूर है, यहाँ से है 33 किलोमीटर, लेकिन 33 किलोमीटर तो कम है, लेकिन जो समय लगता है रोड पे लगता है रोड पे, क्योंकि इस रोड पे आगे जो है ट्रैफिक काफ़ी बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होती है। देखिए गाइस फिर हम उस वापसी में उसी अंडर पास से वापसी आ गए, कश्मीर गेट को, कश्मीर गेट के पास आ गए हम, अब जा रहे हैं घर की ओर। गेट का नज़ारा, मार्केट वैसे बंद हो गई लेकिन ट्रैफिक वैसे जाम है बहुत ज़्यादा। लाल किला है यहाँ पे लिखा हुआ है, दिल्ली गेट लाल किला, काफ़ी भीड़ है इस टाइम चांदनी चौक साइड भी। गाइस लाल किला का सामने वाला रोड चांदनी चौक, तो गाइज हम लाल किला के ठीक सामने वाले पहुंचने वाले हैं, और लाल किला पे अभी वैसे 15 अगस्त आने वाला, तो वहाँ पे जो है टेंट वगैरह लग रहे हैं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे आएंगे। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन वहाँ पे झंडे भी लगे हुए हैं, देखिए कितना नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत है बहुत ही नज़ारा, और लाल किला चमचमाता हुआ लाइटों से अच्छा लग रहा है। तो चलिए गाइज फिलहाल हम घर की ओर जा रहे हैं, और ये आपको दिखा रहा हूँ लाल किला का नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत है। सामने है ये लाल किला मंदिर,